हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एयरटेल का सिम है और एयरटेल के सिम में हम इसके नेट की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। तो मेरा रियलमी का फ़ोन है, अगर आपका कोई और फ़ोन है तो उसकी सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट का जो ऐप है इसको मैंने ओपन किया और यहाँ से स्पीड टेस्ट पहले देख लेते हैं कि हमारी नेट की स्पीड है वो कितनी है। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर डाउनलोड MBPS जो दिख रहा है 0.33 है, अपलोड MBPS जो है वो 0.00 सब शो हो रहा है। तो इसे अभी हम कट कर लेते हैं और उसके बाद से हम इसमें कुछ सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद हम फिर से इसमें चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे नेट की स्पीड जो है वो कितनी इंक्रीज हो गई है। तो आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे लिखा है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। तो आपका जो सेटिंग है कहीं और भी हो सकता है, तो आप देख लीजिए कहाँ पे है। उसके बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली एयरटेल जो है एयरटेल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें आना है नीचे और दिया है यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम। तो एक्सेस पॉइंट नेम आपके मोबाइल फ़ोन में अगर कहीं और इसकी सेटिंग दी हुई है तो आप उसको वहाँ से देख लीजिए। इसके बाद से हम एक्सेस पॉइंट नेम्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख जाएगा, एयरटेल MMS का और एयरटेल इंटरनेट पे। तो सबसे पहले आपको आना है एयरटेल इंटरनेट पे, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो के आता है। होने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करने होते हैं, जो नेम है नेम पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे इसका जो नेम है यहाँ पे 1 रख देंगे, एयरटेल इंटरनेट 1, ओके कर देंगे। फिर आपको लिखना है APN पे आना है। APN पे देखेंगे यहाँ पे airtel.gpra.com, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हमें देखेंगे सर्वर यहाँ पे जो है इसे अभी ऐसे रहने देना है। फिर सर्वर पे जाना है, सर्वर में यहाँ पे टाइप करना है *99#, फिर ओके कर देंगे। ऑथेंटिकेटेड टाइप में जाएंगे और यहाँ पे जो पैप है पैप के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे APN टाइप लिखा है, APN टाइप में डिफ़ॉल्ट SUPL है तो इसे हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, ओके कर देंगे। अगर नहीं लिखा है तो आप उसे वहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे APN रोमिंग प्रोटोकॉल, अगर आपका IPv4 है तो यहाँ पे IPv6 रहने दें कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसे हम अप्लाई रहने देंगे। फिर बैरियर में है, बैरियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर LTE से सेलेक्ट कर लेंगे, इसे अनस्पेसिफाइड को रिमूव कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इतनी सारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद इसे हम सेव कर देंगे। तो मेरा जो सेव का ऑप्शन है बैक करने के बाद आता है, तो इसे मैंने बैक किया तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, इसे ओके कर देंगे। ओके हो गया। इसके बाद से हम एयरटेल MMS में जाएंगे, उसमें भी सेटिंग करना है हमें, तो एयरटेल MMS पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर भी जो नेम है नेम पर आएँगे और नेम पर आने के बाद MMS यहाँ पर 1 कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर APN है, APN में airtel.mms.com है, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे बाय डिफॉल्ट इतना ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ ऑथेंटिकेटेड टाइप है, यहाँ पे जो जैसा भी है इसे आप ऐसे रहने दीजिए बाय डिफॉल्ट। नीचे आएंगे, ऑथेंटिकेटेड टाइप में आएंगे और यहाँ पे जो पैप है पैप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। APN टाइप में यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है, इसमें हमें चेंज नहीं करना है, इसे सबको यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लिख देना SUPL, ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे APN प्रोटोकॉल है तो IPv6 ही रहने दीजिए, अगर IPv4 है तो IPv6 यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे उन्हें से IPv4 या फिर IPv6 यहाँ से कर देंगे। उसके बाद से हमें बैरियर में आना है और यहाँ पे LTE सेलेक्ट कर लेना है, इसे अनचेक कर देना, ओके कर देंगे। तो ये रही हमारी कुछ सेटिंग्स थी, जो सेटिंग्स होने के बाद यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है और इसे हम बैक करेंगे, इसके बाद इसे सेव कर देंगे। हमारी जो सारी सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद से आपको नेट की स्पीड है इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद इसे फिर से हमें ऑन करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी नेट की स्पीड कितनी बढ़ गई। इसे हम फिर से ऑन कर देंगे, ऑन हो गई। ऑन होने के बाद हम स्पीड टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे इसकी स्पीड को फिर से ऐसे चेक करेंगे कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी चेंज हो गई। ठीक है, तो इसे अभी कट कर देंगे और यहाँ से स्पीड टेक्स्ट पे आएंगे और फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे, गो पे क्लिक कर देंगे।
तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इसके डाउनलोडिंग स्पीड है वो यहाँ से 2.12 हो गई और इसकी अपलोडिंग स्पीड भी यहाँ से बढ़ गई है। तो पहले से काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाएगा आपके स्पीड को, तो इस तरह से आप अपनी स्पीड को यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।